फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे सेल को और अमेजोन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को ऑफिशियल टीज करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप 40 से 45,000 के बजट के अंदर एक स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा भाई थोड़ा सा रुक जाओ, एक से दो वीक की बात है। साल की सबसे बेस्ट स्मार्टफोन डील आपको देखने को मिलेगी और जो आईफोन है उस पर तो आपको कमाल का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे देखा जाए तो ओवरऑल सारे स्मार्टफोन के ऊपर डिस्काउंट होगा, तो 20 से 30,000 का भी अगर आपका बजट है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रुक जाओ, डील्स तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप स्पेशली एक आईफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो फिर फोर श्योर आपको इस सेल का वेट करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो होगा ना, यहाँ पर मैं आपको स्पेशली कुछ ऐसी डील्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको स्पेशली आईफोन्स के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो गाइस अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आईफोन की 14 सीरीज है जो आज ऑफिशियल लॉन्च हो चुकी होगी, और उसके बाद ये चीज तो कन्फर्म है कि आपको आईफोन की 13 सीरीज और उससे पहले की जो प्रीवियस जनरेशन है उनके ऊपर आपको काफी तगड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। पिछले साल फ्लिपकार्ट ने आईफोन 12 और 12 मिनी को दबा के सेल किया था, और इस बार जो फोकस होगा वो होगा इनका आईफोन 12 और 13 के ऊपर, जहां आपको ऐसा प्राइस डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो आपने लिटरली इससे पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ तक मुझे लगता है इस बार अमेजोन बाजी मारने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट ने काफी सारे आईफोन सेल किए थे और इस बार जो आईफोन डील्स है वो आपको कंपेयर टू फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर बेटर देखने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेस वेरिएंट के साथ में। तो आईफोन की जो मिनी सीरीज है जो 14 सीरीज के साथ में ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इस बार इनके पास जो बचा हुआ स्टॉक है उसका क्या होगा? तो गाइज ये वही स्टॉक होगा जो आपको इस बार सेल के अंदर काफी तगड़े ऑफर्स पर देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर मैंने आईफोन 12 मिनी को जो है 34,000-35,000 के प्राइस के ऊपर परचेज किया था, काफी तगड़ा डिस्काउंट था। मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लेना। और जहां तक मुझे लगता है इस बार आईफोन 12 मिनी को आप 32,000-33,000 के आसपास परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आईफोन 13 मिनी जो इस सीरीज का सबसे लास्ट फोन होगा तो ऑब्वियसली वहां पर भी डिस्काउंट तो काफी तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि ये लोग सेल के थ्रू जितना हो सकता है स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आईफोन का जो 13 मिनी है वो आफ्टर डिस्काउंट आपको 42,000-43,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आईफोन SE 3 जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बट वो आपको ऑफर में देखने को मिलेगा, तो अगर आपका 30,000 के आसपास का बजट है तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनली उस डिवाइस की जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, उसी की वजह से शायद आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आईफोन 12 जो लास्ट ईयर इतना ज्यादा बिका था कि क्या बताऊं, पिछले साल 45,000 के आसपास देखने को मिला था, इस बार आफ्टर डिस्काउंट आपको 42,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। अमेजोन ने तो आईफोन 12 के प्राइस को टीज भी कर दिया है -999, तो हो सकता है शुरुआत में कुछ घंटों के लिए इसका जो प्राइस हो वो आपको 40,000 के आसपास देखने को मिले। लास्ट ईयर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, शुरुआत में जो प्राइस था वो काफी कम था लेकिन कुछ घंटों में जो प्राइस पॉइंट वो चेंज हो गया था। तो इस बार आप पहले से रेडी रहना और शुरुआत में ही डील को ग्रैब कर लेना, मतलब कार्ड वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखना, ज्यादा सोचना मत वरना हो सकता है आपको पछताना पड़े। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले ही चीज के बारे में अपडेट कर दूं, तो उसके लिए आपको चैनल के साथ में थोड़ा सा स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। अब वो लोग जिनको कैमरा थोड़ा सा बेटर चाहिए, बैटरी बैकअप थोड़ा और बेटर चाहिए और थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में जाना चाहते हैं तो आप आईफोन 13 का वेट कर सकते हैं, और वो आपको देखने को मिल सकता है अमेजोन के इस रेड कलर के पर्दे के पीछे जो अमेजोन की तरफ से बिगेस्ट डील ऑफ द ईयर रहने वाला है, जिस बार आपको 50,000 से 55,000 के बीच में देखने को मिल सकता है और हो सकता है शुरुआत के कुछ घंटों में 50,000 से कम भी देखने को मिले। अब इतने तगड़े डिस्काउंट के पीछे मेन रीजन क्या है? तो देखो आईफोन की जो 14 सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस जनरेशन है उनके ऊपर आपको तगड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईफोन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुके हैं तो उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी और ऐसे जो चार्जेज है वो नहीं लगते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस आपको कम ही देखने को मिलता है। तो डील्स इस बार काफी तगड़ी रहने वाली है, स्पेशली अगर आप आईफोन लेना चाह रहे हो तो भाई बिल्कुल रेडी रहना। अब वो लोग जो थोड़े से प्रो टाइप के जिनको 3 कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आईफोन की जो 12 प्रो 12 प्रो मैक्स होंगे वो हो सकता है आपको 1,00,000 से कम के प्राइस पर देखने को मिले, लेकिन जो 13 प्रो 13 प्रो मैक्स होगा वो इस टीजर को देख के तो लग रहा है 1,00,000 से ऊपर ही देखने को मिले, बट कुछ नहीं कह सकते, सेल के टाइम पे हो सकता है इसका प्राइस आपको कम देखने को मिले। तो जो भी है मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हां, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इतनी तगड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया और आगे भी ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि क्या आप इस बार एक आईफोन लेने वाले हैं, और अगर लेने वाले हैं तो कौन सा मॉडल आप लेना पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।